हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं क्यूरिन। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। तो गर्मी का असर अब बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर कोरोना का खौफ का साया भी पीछा नहीं छोड़ रहा। इस मौसम में ठंडा पानी सर्दी खांसी और गला खराब कर सकते हैं। इस मौसम में चिल्ड पानी सर्दी जुकाम का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। कोरोना के इस दौर में डॉक्टर ठंडा पानी पीने से परहेज करने की सलाह देते हैं। अगर आप गर्मी में ठंडे पानी से परहेज नहीं कर सकते तो आप मटके का पानी पी सकते हैं। मटके में प्राकृतिक तौर पर पानी ठंडा करने की ताकत होती है, जो सेहत के लिए अधिक सुरक्षित और सेहतमंद माना जाता है। आयुर्वेद में भी मिट्टी के बर्तनों में पानी रखने और उसमें भोजन पकाने तक के फायदे माने गए हैं। कोरोना के इस दौर में मिट्टी के घड़े, बोतलें और टैंक तो मौजूद है, जिसमें पानी को आसानी से स्टोर करके इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच मिट्टी की आधुनिक बोतलें और मटके में पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा करके उसका सेवन किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन में कैसे पानी ठंडा रहता है और इस पानी के कौन कौन से फायदे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ठंडा जो पानी है वो मटकी में कैसे रहता है, इसके बारे में बताता हूँ। तो मिट्टी में बने पोर्स जो होते हैं उसमें से पानी जो है थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। ये पोर्स इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से तो दिखाई नहीं देंगे, पर इन पोर्स के थ्रू पानी बाहर निकलता है, जिसे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस से क्या होता है कि आपका पानी अंदर ठंडा रहेगा क्योंकि बाहर जो गर्मी है वो निकलती जा रही है। जब हमें पसीना आता है तो भी कहीं ना कहीं सेम प्रोसेस के थ्रू ही हम ठंडे रहते हैं। हमें भी जब बहुत गर्मी लगती है तो हम पसीना हमें आता है और उससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है। कुछ वैसा ही प्रोसेस मटके में भी होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मटके में पानी ठंडा कैसे रहता है। अब जानिए कि इसके फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है घड़े का पानी। मिट्टी के घड़े या बोतल में पानी को ठंडा करके पीने से इम्यूनिटी सिस्टम आपका दुरुस्त होता है। घड़े में पानी स्टोर करने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का भी बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों, इसके अलावा आपका पीएच का संतुलन भी सही रहेगा। मिट्टी में क्षारीय गुण विद्यमान होते हैं। क्षारीयता पानी की अम्लता के साथ प्रभावित होकर उचित पीएच संतुलन प्रदान करती है। इस पानी को पीने से एसिडिटी दूर होती है और पेट दर्द से भी राहत मिलती है। अगली चीज़ आती है दोस्तों कि गले को भी ठीक करता है मिट्टी का पानी। गर्मियों में ठंडा पानी पीने की तलब ज़्यादा होती है और हम फ्रिज से ठंडा पानी पीने की कोशिश करते हैं। ठंडा पानी पीने से गले की कोशिकाओं का तापमान अचानक से गिर जाता है, जिसके कारण गले का पकना और ग्रंथियों में सूजन यानी ग्लैंड्स में सूजन आना आम बात है। ठंडा पानी शरीर की बाकी क्रियाओं को भी बिगाड़ देता है, इसीलिए अगर आप ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो आप मटके का पानी पी सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी ठंडे पानी की जो तलब है उसको ज़रूर ख़त्म करता है। दोस्तों, इसके अलावा ठंडा पानी कब्ज़ भी बढ़ा देता है। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि बर्फीला पानी पीने से कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। मटके का पानी बहुत अधिक ठंडा नहीं होता, इसलिए ये पाचन को दुरुस्त कर देता है। इसे पीने से संतुष्टि भी मिलती है। इसका नियमित उपयोग पेट दर्द, गैस, एसिडिटी और कब्ज़ जैसी समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। दोस्तों, इसके अलावा एनीमिया से भी छुटकारा दिलाएगा गड़े का पानी। जी हाँ, एनीमिया की बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए मिट्टी के बर्तन में रखा पानी पीना बेहद फायदेमंद होता है। मिट्टी में आयरन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होने वाली एक बीमारी है। तो देखा दोस्तों आपने, मिट्टी के घड़े से पानी पीने के कितने सारे फायदे हैं। आप चाहें तो इन गर्मियों में अपना कर देख सकते हैं। आज की वीडियो को यही ख़त्म करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।